हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा कि सर वेदर वी शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। देखो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बोथ ग्रुप के, आई नो, बट दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड। सबसे पहले बता देता हूँ, बोथ ग्रुप वालों को तो पता ही होगा कि जो पहले एनालिसिस होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी, जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ट्राई कर रहे हैं क्रैक करने का एग्जाम, कि बोथ ग्रुप देते हैं तो ऑल इंडिया रैंक का चांस बनता है आपका। एग्रीगेट में बेनिफिट होता है कि अगर आपका फर्स्ट ग्रुप में कुछ कम नंबर आया तो सेकंड ग्रुप में आपको स्क्वायर ऑफ मिलता है, जो कि मुझे आईपीसीसी में मिला था, श्योर। लेकिन 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 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले छोड़ो सबको, समझो खुद को, एनालाइज योर सेल्फ। हमारा कितना कॉम्पिटेंस है, क्या हमने टाइम टेबल, हमारे रिविजन्स, हमारे पास क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से प्लान कर रखी है जो टाइम आपको आने वाला है। एनालाइज द टाइम फ्रेम विच इज कमिंग आफ्टर योर फेलियर्स और द ग्रुप यू आर ट्राइंग और द एग्जाम यू आर ट्राइंग टू फेस। आपके पास उतना टाइम है, उस टाइम को मैच करते हुए आपने आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपने रिविजन्स, पास क्वेश्चन पेपर और आपने खुद को प्लान कर रखा है कि हाँ मैं कॉम्पिटेंट हूं दोनों ग्रुप देने के लिए। एनालाइज योर सेल्फ। अगर नहीं हो पा रहा है उस टाइम फ्रेम में सारी चीजें कि आपको 5-6 बार रिवीजन करना है, मिनिमम 4-5 बार रिवीजन करना है, पास क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करने हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, बार बार प्रैक्टिस करना है 1-2 बार, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है और आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट आता है एग्जाम के पहले, तो आपने ये सारी चीज 8 पेपर के साथ नहीं कर ली। आई एम रिपीटिंग, 8 पेपर्स अगर आपके हैं आईपीसीसी के, कंपनी सेक्रेटरी के, फाइनल्स के, प्रोफेशनल के, तो आपको 8 पेपर में कोशिश करनी कि यार मेरी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, सबका टाइम टेबल शॉर्ट शॉर्ट बनने वाला है, तो ही 8 पेपर के लिए जाना, वरना खुद के साथ ही गद्दारी करोगे। अगर हर आपका जो सब्जेक्ट है, मैंने एनालिसिस करी थी कि जब मैंने आईपीसीसी दिया था तो मेरे शायद 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जम्पशन आई थी, पर उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझमें इतनी कैपेबिलिटी है, अगर मैं हार्डवर्क करूंगा, अपना 100% दूंगा, तो मैं फाइनल के हर सब्जेक्ट में एग्जम्पशन लेके आऊंगा। और ये मेंटेलिटी के साथ जब मैं उतरा ना कि मैं हर सब्जेक्ट में 80-90 स्कोर करने वाला हूं, देखो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्लास 11 12th के लिए 90-95 बहुत आसान होता है, लेकिन जब सीए में उतरते हो आप तो वहां पर 40-50 लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आईपीसीसी के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं हर सब्जेक्ट में 90-80-90 लाऊंगा, और उसी मेंटेलिटी के हिसाब से मैं चला और उसी की वजह से मुझे हर सब्जेक्ट में अराउंड 60-65 मार्क्स आए। एम 80-90 का किया था, जब 60-65 आया, अगर सोचो अगर मैं एग्जम्पशन का ट्राई करता तो शायद केवल 40-50 मार्क्स आते और शायद मेरा एक ग्रुप या बोथ ग्रुप रह जाता। तो एम फॉर द मून, यू विल डेफिनेटली गेट स्टार्स। कुछ बड़ा सोचो तो छोटा तो हमेशा मिल ही जाएगा कि हाँ मुझे हर सब्जेक्ट में 80-90 नंबर लाने हैं, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट है कि आपको मिनिमम एग्जम्पशन तो हर सब्जेक्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा आप अपनी मार्कशीट को एनालाइज करो कि हाँ यार अपनी मार्कशीट में ये नंबर थे, इस सब्जेक्ट में मेरा पेपर कैसा गया था, इसकी तैयारी मेरी कैसे होने वाली है, तो उस सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में डालो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। इन द लास्ट आई वांट टू थैंक यू अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। टू ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर द December 21 स्टूडेंट्स, अ न्यू बैच इज बीइंग अनाउंस्ड बाय द अनअकैडमी व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd of September। या यू हर्ड इट राइट, 22nd of September। इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलने वाली, दैट इज अमित कोकली वगैरह, बहुत जो रिनोम टीचर है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इफ यू आर प्लानिंग कि मैं अनअकैडमी से क्लास लूं, तो जस्ट सब्सक्राइब टू देम एज सून एज पॉसिबल। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज CA Mohit 45 फॉर गेटिंग एडिशनल डिस्काउंट इफ यू वॉन्ट। सबसे मेन बात मुझे अनअकैडमी की ये खास लगती है कि यार दे आर नॉट फोर्सिंग अ पर्सन कि पूरा अमाउंट आप एक साथ पे करो। आपका जो टोटल अमाउंट है, अगर 20,000 के आपका टोटल अमाउंट बनता है, तो वो हर मंथ में डिवाइड हो जाएगा और आपको छोटा सा 1-2 हजार जो अमाउंट आता है वही पे करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगर नहीं जमा तो 1-2 महीने बाद आप क्विट कर सकते हो और कहीं क्लासेस ले सकते हो, लेकिन पूरा अमाउंट वो एक साथ नहीं मंगा रहे, दैट इज गुड थिंग। अनदर थिंग आई वांट टू शॉर्ट कि इसमें आपको आइकॉनिक लाइव मेंटरिंग सेशन वगैरह भी अनअकैडमी करवा रहा है, उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट करी है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट। प्लस सब्सक्रिप्शन भी है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। अनदर थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट, सीए स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर आप पार्टिसिपेट करें, यू कैन विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप एंड फीस in your subscription, and all the best for your future. Keep working hard, think smartly, plan ko sahi jagah lagao, and you'll see magic in your results. Bye, all the best.